हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान रोडवेज के चक्का जाम हड़ताल से जालौर में भी भारी असर पड़ा है। बुधवार सवेरे से ही यात्रियों की भीड़ नजर आने लगी, लेकिन रोडवेज में एक भी बस डिपो से बाहर नहीं निकल रही है। जालौर के नए बस स्टैंड पर सवेरे से ही सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस गश्त करती रही, यात्री परेशान होते रहे, लेकिन एक भी बस बाहर नहीं निकली। जालौर के अस्पताल चौराहे पर काफी संख्या में यात्रियों की भीड़ नजर आई, लेकिन एक भी बस नहीं मिली। भीड़ की वजह से पुलिस जाब्ता तैनात रहा और बाहर से जो रोडवेज बस आ रही थी उन्हें रोडवेज के कर्मचारी द्वारा खाली करवाया जा रहा था। पुलिस जाब्ता अस्पताल चौराहे पर मौजूद होते हुए भी रोडवेज कर्मचारी ने बसों को खाली करवाया। काफी संख्या में रोडवेज डिपो में बस बाहर नहीं निकली। रोडवेज कर्मचारियों ने दो दिन तक चक्के जाम की घोषणा कर रखी है, जिसके तहत 25 और 26 जुलाई को रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों को ऐसे ही परेशानियां उठानी पड़ेगी। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।